माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। चार पांच लोगों ने ताली बजाई, रहने दो। क्या फायदा ऐसी तालियों का भाई साहब? इतनी तगड़ी नमस्ते करी मैंने, उसके बाद चार लोगों ने ताली बजाई है, ये भी नहीं सोचा जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे बड़े भाई होते हैं और हमारे क्षेत्र में, क्योंकि नया बाजार में मेरा काम है, वहीं उनसे बहुत पहले मुलाकातें हुआ करती थी, प्रदीप भाई से भी मुलाकातें होती रहती हैं। बहुत अच्छा का आज का आयोजन, बेहतरीन व्यवस्था, उसके बावजूद मुझे लगता है कि संख्या, आमतौर पर हम पूरे देश में कवि सम्मेलन करते हैं, पूरे देश में जाते हैं, हजारों लाखों की भीड़ भी होती है, भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, सुनने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इतनी बेहतरीन व्यवस्था करने के बाद भी कुछ संख्या कम रह गई। प्रवीण भाई, ये संख्या आनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगली बार पूरा पंडाल पहले से भरा होना चाहिए। प्रवीण भाई बहुत उस्ताद आदमी, मेरे से बोले अनिल भाई वहां कवि सम्मेलन है, क्या रुपये लोगे? मैंने कहा जो राजेश चेतन ले उससे 2000 रुपये कम दे देना। बोले राजेश चेतन 2000 ले रहा है, तू तो फ्री में आ जा बता। मतलब एक से एक लोग पढ़े शक्ति नगर के, एक से एक उस्ताद भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बजाओ साहब, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। बहुत अच्छा। अभी भाई गौरव चौहान आए हैं, वीर रस के बड़े कवि हैं, नेताजी लपेटे में आप उनको देखते रहते हो। हाँ, कई बार वो आए, वीर रस के कवि है। आज आज रात को भी है, ऑन एयर रही है, आज रात को भी, आज रात को भी वहीं पर टीवी में भी मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे। जो टीवी में देख रहा वो टीवी में देखो, जो यहाँ देख रहा वो यहाँ देख लो। बहुत बढ़िया कवि है, वीरस का कवि भाई साहब। गुस्से में रहता 24 घंटे, ये निपटा दूंगा, पाकिस्तान को फूंक से उड़ा दूंगा, उसको हवा से उड़ा दूंगा, मतलब विशेष बात करता है वीरस। हम वीरस के कवि नहीं, हम आस्ते रस के कवि हैं, हम वीरस आता ही नहीं भाई साहब हमारे अंदर। एक बार मेरे को याद है गौरव भाई के अंदर वीरस जाग गया, ये घर पे गए, घंटी बजाई, जाते ही बोले सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। अंदर से लुगाई आई, बोली पहले कब पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। कोई फायदा नहीं ऐसे वीरस का, है ऐसे भाई। हाँ, मस्ती के साथ आप सुन रहे हो, बैठ जाओ बाबू जी, आप आए हो अभी बहन जी के साथ, आप भी बैठ जाओ। जगह देख रहे हैं बाबू, बैठिए सर बैठिए, आपका स्वागत करता हूँ। एक एक श्रोता मुझे एक लाख के बराबर लग रहा है। चार पंक्तियां देना चाहता हूँ आदरणीय जयप्रकाश जी बैठे उनके चरणों में निवेदित करता हूँ, उसके बाद अपना वही हास्य का रंग दिखाता हूँ जितना मेरे पास समय है। सुनिएगा साहब, के इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है। और ऐसे बिठा देते हैं प्रदीप भाई और हमारे अग्रवाल साहब बैठे, ऐसे उनको सामने बिठा देते हैं और एक ही बात कहते हैं, दोस्तों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं। और ये दोनों जहां कहीं है, तालियां थोड़ी आ रही है साहब, तालियां मस्ती के साथ बजनी चाहिए। वाह 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 अनिल भैया, मेरी वजह से है साहब। विशेष बात हो जाती है साहब, सुनिएगा, कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे, समझ गए ना, केजरीवाल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। वाह वाह। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां चाहूंगा चौथी पंक्ति पर, पहले सुन लो साहब, समर्पित करता हूं अग्रवाल साहब को, मेरे बड़े भाई हैं, सुनिएगा साहब, कि केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए, केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। बहुत खुश हूं अग्रवाल साहब इस बात को लेकर, कि कम से कम एक कवि को चिंता है हमारे नेता की, कि किसी तरह उसकी शादी हो जाए। लेकिन ये भाईचारे का मंच है या कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, वो एक हरियाणा के बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोला मास्टर जी मन्ना नहीं बेरा, कांग्रेस का जन्म कद होया, इसकी स्थापना किसने करी, पर नू बेरा इसका नाश कौन करेगा। तालियां कमारी है भाई साहब, सुनानी चाहूं, हंसना हसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना आदत है। बड़े अच्छा, मन से आप सुन रहे हो, तमाम लोग बैठे हैं, दो बहन जी भी सेल्फी के चक्कर में लगी हुई है।
वो अभी तक एक बार भी नहीं हंसी, उनको ब्यूटी पार्लर वाले ने कह के भेजा है अगर ज्यादा हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। ये स्थिति हो जाती है भाई साहब। मेरे को तो याद है एक बार दो महिला बहुत बात करती थी भाई साहब, दो महिला भी एक चुप ही नहीं रहती थी, उनको 20 साल के लिए कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, कर लो जितनी बात। जब उनको रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। छिकी नहीं अगली, दुकानदारी बड़ी मुश्किल से जमती है। मेरे को तो याद है एक आदमी चाय बेच रहा था, एक उसके पास चला गया हरियाणा का आदमी, बोला भाई एक चाय दे दे जरा, दो में कर दियो। दोस्त और आ गया, तीनों चाय पीने लगे, पैसे एक के ही देने थे अगले ने। चाय वाला टेढ़ा टेढ़ा देख ही रहा था कि चाय एक पीनी है, पैसे एक के देने, चाय तीन लोग पी रहे हैं, तीनों चाय पीने लगे। इतने में और दोस्त आ गया, बोला ठहर जा चाय वाले, खाली गिलास और दे दे। चलते टाइम पूछने लगा कितने पैसे दे दूं, बोला पैसे वैसे तो छोड़, तू एक काम कर सारे गिलास धो के दर दे, तेरा सारी दुकानदारी खराब कर दी मेरी भाई साहब। तो इसलिए मस्ती के साथ बैठे रहना बहुत, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। हरियाणा आदमी तो वैसे भी मस्त रहता भाई साहब। मेरे को याद है एक चौधरी खाना खा रहा था, पास में कुत्ता आके बैठ गया। चौधरी ने सोचा यार एक थाली में रोटी होती इस कुत्ते को भी दे देता, कुछ पुण्य का काम हो जाता। भावनाएं देखो, पर हरियाणा का चौधरी है, भावनाएं क्या करेंगी। बोला कुछ पुण्य का काम हो जाता जो थाली में रोटी उसके खत्म, अब रोटी कहां से दे। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, बोला अंदर से रोटी ला। बोली कोई रोटी वोटी नहीं है, मैंने तो रसोई साफ कर दी। बोला फिर एक काम कर, भीतर तो तू लठ लिया, खा ली तो कुत्ते ने भी नहीं जाने दूं कि मैं करके जरूर छोड़ दूंगा मैं। तो हमारे हरियाणा का आदमी कुछ ना कुछ करके जरूर छोड़ता। मैं तो अभी मेट्रो में बैठ लिया, एक ताऊ मिल गया मेरे को, मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है, मैंने कहा ना ताऊ बलबीर का कोनी, पर ताऊ के कहां चैन। अरे बोला बलबीर का है, मैंने कहा ताऊ तीन बार मना कर दी, मैं बलबीर का कोनी, पर ताऊ हरियाणा का ऊत पाओगा। अरे बोला बलबीर का है, मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन या। ये मस्ती हमारे हरियाणा से आती है। बहुत अच्छे, एक से बहन जी बैठी है, बहुत अच्छा सुन रही है, सेल्फी हो गई बहन जी, मैं पढ़ू, हाँ हाँ नहीं बहुत शांति से सुन रही है मेरे को। दिल्ली में भी एक ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन भाई साहब, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को 15 मिनट हो गई, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट हो गए। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या। बोली नहीं तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता लुगाई किसको कहां निपटा दे। एक बार जोरदार तालियां बजाते रहो साहब, कुछ ना कुछ हमारे को भी बीच में मौका मिल जाता है अच्छे, बात करने का आपसे। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। इसके बाद समझ में आई केवल दो लोगों के देश में, कि ना खाओगे ना खाने दोगे। उसके अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा मोदी जी जब कोई नहीं खाएगा वाह, तो आप ये बताओ कहां जाएगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात दो लोगों के समझ में आई, एक नीरव मोदी के एक विजय माल्या के, कि ना खाएगा ना खाने देगा, इसका का मतलब पैक करवा लो अपना। अग्रवाल साहब पैक करवा के निकल गए वो लोग। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी एशियाई किल चलाने नहीं दूंगा मैं। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा। अभी एक हवाई जहाज के अंदर बैठा भाई साहब मैं, एक महिला के बच्चे ने सिक्के निकल लिए, बोली बचाओ मेरे बच्चे को कोई बचाओ। एक आदमी आया उसने ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। महिलाएं बोली धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, आप डॉक्टर है क्या। बोला नहीं मेरा नाम अरुण जेटली है, पैसा निकालना मुझे आता है। जेटली जी बोले नहीं नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और अब तालियां चाहिए साहब। कि जेटली जी बोले नहीं नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना उत्तर प्रदेश। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाही और पटाने नहीं दूंगा मैं। खुद ना पटाही और पटाने नहीं दूंगा, क्या कहने भाई। चार लोगों की जरूरत थी अभी राष्ट्रपति जी साहब को। बोले अमेरिका बड़ा परेशान, पूरी सपोर्ट करता है पाकिस्तान को निपटाना, चार लोग निपटा सकते हैं। बोले भाई चार लोग कौन कौन है जो पाकिस्तान को निपटाएंगे, लिस्ट बनाई गई बाकायदा। बोले भाई एक तो बाबा रामदेव को बुला लो, पाकिस्तान को निपटा देंगे। अरे बोला बाबा रामदेव कैसे निपटा देंगे पाकिस्तान को। बोला बाबा ने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, पाकिस्तान को तो एक मिनट में निपटा देंगे। वो एक आया मेरे पास दोस्त रोता हुआ, बोला यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा तेरे दादाजी कैसे गुजर गए। बोला बाबा रामदेव ने मरवा दिया।
अरे मैंने कहा तेरा दादा रामदेव जी ने कैसे मरवा दिया। बोला यार सुबह 4 बजे टीवी के सामने योग सीख रहे थे, बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना, दादा मेरे भोले भाले थे, बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली, बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली, बाबा बोला और खींचो, इतनी देर में लाइट चली गई। वाह वाह वाह, थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, 5 मिनट बाद लाइट आ गई, रामदेव उसमें से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। अरे बोला मेरे तो दादा का निवारण हो गया। बोले तो एक तो पाकिस्तान को निपटाने के लिए रामदेव जी को बुला लो, निपटा देंगे साहब, और एक बोले एक केजरीवाल साहब को बुला लो, वो भी पाकिस्तान को निपटा देंगे। अरे बोला वो कैसे निपटाएंगे? बोला निपटाएंगे नहीं, कम से कम दुखी तो कर ही देगा। विशेष बातें हो जाती है साहब। अभी नोटबंदी के टाइम एक मेरे को आदमी मिला रोते हुए, बोला यार मोदी जी ने बर्बाद दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा यार नोटबंदी करवा दी। अरे मैंने कहा तेरे पास काला धन होगा? बोला हाँ, फिर क्या हो गया? मैंने कहा देख मोदी किसी भी काले धन वाले को नहीं छोड़ देगा, काली किसी चीज को भी नहीं छोड़ देंगे मोदी जी, कोई भी काली चीज होगी उसको सफेद कर देंगे। बोले तू कैसे कह सकता है? जो मैंने उत्तर दिया उसके ऊपर आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ेंगे, सबको सफेद कर देंगे। बोले कैसे? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति काला था, दोड़ा हो गया, वो भी दोड़ा कर दिया। बोले यार लेकिन मेरी तो ऐसी तैसी हो गई, एक रात के अंदर ऐसी तैसी कर दी, मोदी जी मिल गए तो 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। मैंने कहा भाई क्या कहेगा? सुनिएगा 4 पंक्तियां और आपका वही प्यार और उत्साह चाहता हूं, सुनिएगा। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाहे वाली केतली थमा दोगे। जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाहे वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है? लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। बहुत बेहतरीन मन से आप सुन रहे हो साहब, और तमाम और अतिथि हमारे बीच में आ गए हैं। शुरू वाले कवि को बड़ी मेहनत करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि बार बार में तारतम्य टूट जाता है, लेकिन हमारी बहनें हमारी बेटियां बड़े मन से, सभी बहनें सुन रही हैं। हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब, बैठ नहीं सकती, खड़ा नाश हो जाए कति, जितनी देर महिलाएं सुन रही है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते हो। अरे बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले पूरे पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया भाई साहब, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, करने मना कर रखी थी। पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलू, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये तो हमारे हरियाणा की मेरे को याद है भाई साहब, एक बुढ़िया अपने पोते को खिला रही थी, मेरा लाल मेरा चंदा, जो गोल गोदी में झुला रही थी वो मेरा लाल मेरा चंदा, वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया भाई साहब, चंदा के चोट लग गई। इतनी देर में बहू आई और अपनी सास से कहने लगी सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद जिंदगी में मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिया। बहू कह रही है सास से, वो सास भी छठी हुई थी शक्ति नगर की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊ, और तू मेरा परवीन कसेरा में छेड़ दिए। तालियां जोरदार बजाओ जरा इस बात पे। हाँ ये मस्ती की बात रहती है, बहुत अच्छे, कुछ ना कुछ मस्ती रहती है, मस्ती में इस जीवन है। हमारे यहाँ तो मक्खी मच्छर तक में आज से हरियाणा में, वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट चढ़ा दी, तेरा जीजा मर गया। अच्छा वो एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने उससे कह दी देख भाई अगर फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। बोला ठीक। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी ने कहा रिजल्ट आया था क्या हुआ? कह रहा छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के। ये मस्ती हरियाणा से मिलती है भाई साहब। वो एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कह दिया देख तेरा कल 2 बजे रिजल्ट आएगा और तेरे ऊपर मेरे को कोई भरोसा नहीं है, तू अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो, मेरी मीटिंग चल रही होगी, बेइज्जती मत करवा दियो। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह दियो जय श्री राम, दो में फेल हो जाए तो कह दियो राधा कृष्ण,
तीन में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन रिजल्ट ओपन मत करियो। बोला ठीक है। अगले दिन 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया। आया उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है। पिताजी ने इशारा करा, बेटा रिजल्ट का क्या रहा? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोला पापा साचे दरबार की जय। साहब कोई नंबर नहीं भाई साहब, ये हमारे हरियाणा के बच्चे मस्त होते हैं बिल्कुल। मैं 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कहना चाहूंगा, बहनों के लिए कहना चाहूंगा, ये पारिवारिक मंच है, संस्कारिक मंच है। 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छूलेगी। आज हम बच्चे को गर्म में मार देते हैं साहब। जब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छूलेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छूलेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, और मदर ट्रेसा लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। धीरे धीरे नीचे के सारे आदमी ऊपर आ लिए, आवेंगे अभी और भी आ जाएंगे। मैं स्वागत करता हूं भाई साहब, ये हंसी मजाक की बात है, मस्ती की बात है, मस्ती में ही रखना उसको, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। वा, वा, हंसना हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। बहुत अच्छा है। हर काम नारी कर सकती है, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो लुगाई नहीं कर सकती, बस एक काम है जो महिला नहीं कर सकती, दमकल विभाग फायर ब्रिगेड स्टेशन में कभी कोई महिला काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना बहुत अच्छा है, लुगाइयां का काम कौन है भाई साहब। तो लगा सके हैं, और ये वही ताली बजा रहे जिनके घर में लगी पड़ी है। मैं ये एक बात कहना चाह रहा था असल में भाई साहब। आइए दोस्तों, मैं अंतिम एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। टीम हमारी बड़ी है, 5 कवियों की टीम है। मेरा जितना समय था उससे 3 मिनट की कविता सुनाता हूं, बिल्कुल नई कविता है। मैं पहले शक्तिनगर में 7-8 बार आया हूं, लेकिन मैंने दूसरी कविता सुनाई, आप बिल्कुल नई कविता सुनाता हूं। तो आपको एक व्यंग्य की कविता सुनाता हूं कि हमारे यहां जब रिश्ता होता है तो लड़के और लड़की के पिता के बीच में जो संवाद होता है, जो बात होती है, उस बात की ओर आपका ध्यान चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपको एक कविता अच्छी लगेगी, कहीं ना कहीं आपको लगेगा मेरे पास से कविता गुजर रही है। सुनिएगा दोस्तों, ये पीछे जो अतिथि है मैं उनसे भी निवेदन करता हूं या तो आगे आके बैठ जाएं, क्योंकि कविता के बीच में व्यवधान पड़ता है तो बड़ा मुश्किल काम रहता है हमारे लिए। आप आइएगा, अपना स्थान लीजिएगा साहब, आओ बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। लड़का लड़की का रिश्ता हो जाता है, लड़के के पिता और लड़की के पिता के बीच में एक संवाद चलता है, उस संवाद का आनंद लीजिएगा। 3 मिनट की कविता है, मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि ये कविता हमारी जिंदगी के आसपास कहीं से गुजर रही है। बैठिएगा सर, सुनिएगा। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपके चरणों में समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, रिश्ता तय होते ही वर के पिता ने लड़की के पिता से कहा कि भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हां बरातियों की संख्या जरूर 1000 के आसपास होगी। वाह, बरातियों की संख्या जरूर 1000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी, जिन लोगों से हमारे संबंध है, बहुत ऊंचा समाज है, हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है। वाह वाह वाह, इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि ही हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तालियां मिलके बजा दो। पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी, हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी किस प्रकार से दहेज मांगा जाता, सुनिएगा साहब, हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी किस पर अच्छी खासी रकम लगाई थी, घड़ी अंगूठी व सूट के लिए 10 लाख नकद भिजवा दिए थे, बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे, हमने उनके बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे, बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूम आइए, आपको तो पता है गुप्ता जी, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, लेकिन हाँ शादी के दिन शहर का नामी कैटरर्स व टेंट बुक करवा देना, शादी के दिन शहर का नामी कैटरर्स व टेंट बुक करवा देना, टेंट बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल जयमाल कराने के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं, बिना ऑर्केस्ट्रा बड़े बड़े पंडाल फीके रहते हैं, खाने में हर प्रकार का स्टॉल लगवा देना,
फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। और हाँ, मेरे ख्याल से पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी, पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की भी चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता हमारी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। अब बार बार क्या कहूं गुप्ता जी, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी खानदानी लोग तो जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कविता का अंत करता हूं और आपका प्यार चाहता हूं। भैया पानी वाले बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी रहने दो, कविता चल रही, बीच में ना आया करो। हाँ, वैसे भी खानदानी लोग तो जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। वैसे तो खानदानी लोग जितना कहते हैं शादी में उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है। जो आज तुम्हारा है कल हमारा है, जो आज तुम्हारा है कल हमारा है। इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। अनायासी लड़की का पिता बोल पड़ा। अनायासी लड़की के पिता ने कहा कि भाई साहब, यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है, हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है कि चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी कभी उसकी बेटी को ना सताए। क्योंकि आजकल जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पग पर, हर पहलू पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग, इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। आइए दोस्तों, एक संकल्प उठाइए, बेटी को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए। हर जन्म लेने वाली नारी को, हर जन्म लेने वाली बिटिया को इस काबिल बनाइए ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।